हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को वर्क वाले कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा वर्क वाला कुर्ती है, ये 2.25 मीटर है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिना झंझट के वर्क वाली कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा है, इसको पहले हम प्रेस कर लिए हैं। इसका मेजरमेंट हम बता दे रहे हैं, इसका मेजरमेंट है 41.5, लंबाई है, सीना है 39 इंच, कमर है 36 इंच, गला है 7.5 इंच, पीछे का गला 9.5 इंच, हिप है 42, आस्तीन है 16 इंच, मोहरी है 10 इंच, आर्मोल है 16.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हमको खोल लेना है इसको। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, इस तरह से मोड़ लेना है 2 फोल्ड में इसको, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से गला से गले को इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करके हम इस तरह से बिछा लेंगे 2 फोल्ड में। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि वर्क वाले कुर्ती की कटिंग बिना झंझट के किस तरह से जल्दी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा 41.5 इंच है। 41.5 पहले यहाँ से निशान हम लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ हम 0.5 इंच का मार्जिन लेके, 41.5 मेरा लंबाई है और 0.5 इंच का मार्जिन लेके 42 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबाई का। उसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से 6 इंच पे कंधे का निशान लगाएंगे। ये थोड़ा सा डीप वाला है इसलिए हम 6 इंच पे निशान लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ से आर्महोल भी हम इस तरह से 6 इंच पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक 14 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। उसके बाद यहाँ 20.5 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे, जहाँ से ये चाक खोला जाता है वहाँ से। और उसके बाद इसको हम अब इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सीना का निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 39 इंच है, तो 39 का 1/4 हिस्सा 10.5 इंच, 10.5 इंच पे लगाएंगे। और उसके बाद कमर है 36 इंच, 36 का 1/4 हिस्सा 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हिप है 42 इंच, तो 42 का 1/4 हिस्सा 10.5 इंच पे, तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 10.5 इंच सेम दामन भी रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से हम मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें मार्जिन नहीं लिए हैं अभी, इसमें उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हम, मैं जो कपड़ा बनाती हूँ उसमें हर कपड़े में ब्लाउज हुआ, सूट हुआ, सब में हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, जहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं। इसको हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें जो फोल्ड करेंगे तो बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं लेते, 1 इंच काफ़ी है। इस तरह इसको भी इसमें मिला देंगे। उसके बाद यहां से इस तरह से 1/2 इंच पे हम डाउन करेंगे आर्म होल को इस तरह से। यहां से हम 2.75 इंच लेंगे, गले की जो चौड़ाई है ऊपर की 2.75 इंच है। उसके बाद यहां से लंबाई हम यहाँ से 8 इंच पे रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो 7.5 इंच तैयार आएगा। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से हम कटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये 39 इंच सीना हो गया, 36 इंच कमर हो गया, अब 42 इंच हिप हो गया। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट का हम पूरा निशान लगा लिए। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर 1 इंच भी हो
कोने का रखेंगे नीचे का इस तरह से, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी। उसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे कमर पर, हिप पर, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ से हमको फिटिंग देना है वहाँ पे इस तरह कट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से कैंची से पीछे का निशान भी इस तरह से उठा लेंगे। तब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये जो कपड़ा इधर का निकला था ये बचा हुआ, तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में कर लिए हैं इस तरह से। और उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से रखना है इस पर, इस तरह से ऊपर से पूरा एकदम अच्छे से रख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हमको इस तरह से हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है यहाँ से इस तरह से आर्म होल का। और उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ से गले का हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, इसमें कुछ नहीं घटाना बढ़ाना रहता है, केवल आर्म होल और पीछे का गला। अगर बड़ा रखना रहे तो अपने हिसाब से आप बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। उसके बाद अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से गहराई जितना आगे रखे थे फ्रंट पार्ट में उतना पीछे भी रखेंगे हम बैक पार्ट में, 2.75 इंच। और उसके बाद यहाँ से हम 9.5 इंच रखेंगे लंबाई इसकी, यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे। थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा फैला हुआ गला बनेगा। उसके बाद इस तरह से बॉक्स बना देंगे, उसमें इस तरह से गोलाई कर देंगे राउंड से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम काट लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। उसके बाद अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा जो कपड़ा बचा है इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ेंगे 2 फोल्ड में। उसके बाद इस तरह से हम 4 फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पे 1 इंच का हम बॉर्डर लगाएंगे ऊपर, और उसके बाद 16 इंच में तैयार है। यहाँ से आप 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, यहाँ नीचे 1 इंच का बॉर्डर लगाएंगे आगे। उसके बाद यहाँ से 10 इंच मोहरी है तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे, 10 का हाफ। यहाँ से 3 इंच आर्मोल डाउन करेंगे, और उसके बाद यहाँ से 8 इंच 2.8 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इस लाइन में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हम करते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। उसके बाद यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ सेंटर पे कट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पर इतना हम आर्म होल की इस तरह से कटिंग करेंगे, आगे की गहराई जो आर्म होल की होती है स्लीव्स की। तो यहाँ पे मेरे स्लीव की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरी आसान तरीके से सूट की कटिंग हो गई। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोग को अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।